अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हिफाजत में रखे, आमीन। दोस्तों आज जो तारीख है वो है 20 मार्च 2024, ठीक है। तो हमने इस साल अपने इस रिंगनेक पैराकीट के पेयर को विदिन वन मंथ में क्रिएट किया था, जिसमें हमने यहाँ मौजूद पेयर का मेल इस्तेमाल करा और यहीं पर मौजूद डिसेबल लेजिस्लेट फीमेल को हमने इस्तेमाल किया। हमने कई दफ़ा इसे क्रॉस करते हुए जाते हुए देखा पेयर को, लेकिन प्रॉपर क्रॉस होकर नहीं पाया। फीमेल अपने लेग स्प्लिट होने की वजह से नीचे से निकल जाती और कई दफ़ा मुकेबल गिर जाती, जबकि मेल माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है और बेहतर क्रॉस करना चाह रहा था, लेकिन मेल भी अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके फीमेल ने माशाल्लाह जनवरी के बाद से क्रॉस होते हुए फरवरी के स्टार्ट के अंदर इसने लाइन शुरू कर दी थी, ठीक है, जनवरी के एंड में। तो बहरहाल इस फीमेल ने 2 अंडे ले किए थे, जिसमें से 1 अंडा बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, शेप लुक, और 1 अंडा थोड़ा सा डिसेबल सा लग रहा था। अगर आप इस अंडे की शक्ल को देखें, इसका नोकीला हिस्सा देखें, लुक लाइक ए कैप्सूल, ठीक है, या ओवल कह लें, ठीक, कुछ अलग ही यानी कि शक्ल थी। मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद जब चेक किया था तो आया जो अंडा नॉर्मल था उसके अंदर माशाल्लाह वेंस तैयार थी और वो अंडा फर्टिल वो इनफर्टाइल था, ठीक है, यानी कि उसमें नशोनुमा जारी थी बेबी की। और जो सेकंड वाला था वो बिल्कुल वैसी का ही वैसी था, ठीक है, जैसे अभी अंडा लेके आओ बिल्कुल ताज़ा, उसमें कोई हरकत या कोई स्पॉट कुछ भी नहीं था 5 दिन गुजर जाने के बाद भी। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर, ठीक है। अभी कल मैंने देखा कि आया, जानने के लिए देखूँ आया पेयर का बेबी निकल रहा है या नहीं, या फिर मैं अंडे रिमूव करूँ, सही है। लेकिन देखने में ये आया जो अंडा बिल्कुल ओके था वो अंडा शायद डैडिंग सेल की तरफ चला गया, और जो अंडा एबनॉर्मल था, ठीक है, जिसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आया इसमें कोई बेबी बनेगा, ठीक है, जिस तरह की उसकी शेप थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का क्या करना था कि उसके अंदर से आज बेबी निकल आया, क्योंकि उसका हाफ शेल ये पड़ा हुआ और हाफ शेल इसका ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ख़ुद भी देखना है कि आया बेबी तो ओके ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं कल इसके ब्लॉग को इसके ऊपर रखना भूल गया, लेकिन मुझे इस वजह से भी अभी सुबह आना पड़ा। तकरीबन टाइम हो रहा है इस वक्त 7:10 सुबह के, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ खुद भी देखूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बच्चा था जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, माशाल्लाह वो निकल आया, ठीक है, फीमेल के नीचे। लेकिन जो इसका सेकेंड एग था वो अभी तक वैसी ही का वैसी है, ठीक है। तो यानी कि भाई अल्लाह ताला जैसे चाहे वैसे नवाज सकता है, ठीक है, और जिसमें चाहे जिस जान डाल सकता है, ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा गलत निकला, माशाल्लाह बेबी बाहर आ गया एक एबनॉर्मल एग से, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई दफ़ा कुछ अंडों का साइज़ बिल्कुल अलहदा होता है सेकेंड अंडे से, या फिर किसी और वजूहत की बिना पर अंडे का शेप चेंज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेक से निकला है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है जिसमें ग्रीन चिकनियोर के अनफर्टाइल एग से माशाल्लाह बेबी ग्रोथ होती है, यानी कि बेबीज निकले, ठीक है, हालांकि अंडा बिल्कुल क्रैक हो गया, क्रैक होने के बाद उसका थोड़ा बहुत पानी बाहर आ रहा है, लेकिन अंडा चलता रहा, ग्रोथ होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी चेक से निकला। सेकेंड हमारे पास सिल्वर रिंगनेक का माशाल्लाह कल फर्स्ट अंडा ले हो चुका था, ओ
गालबन 18 को या 19 को ही हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मज़ीद कितने अंडे ले करेगी वो फीमेल। तो चलो मैं भी अब वीडियो क्लोज करके अब अपनी शॉप जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।